तो हाँ भाई करें शुरू। तो मार्केट के अंदर इतने सारे स्टेबलाइजेशन के टाइप हैं, EIS, OIS, सेंसर शिफ्ट, गिम्बल स्टेबलाइजेशन, और इस चीज़ पर हमेशा डिबेट बनी रहती है कि कौन सा है डॉन, मतलब किसकी स्टेबलाइजेशन सबसे ज़्यादा तगड़ी है। तो आपका भाई बताएगा, बस आपको क्या करना है, हमें स्टेबल कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो अच्छी लगे तो 10,000 लाइक्स एंड 2,000 कमेंट का एम किया है, और इसी के साथ आपको मिलेगा बहुत सारा माता रानी का आशीर्वाद, बिकॉज आज से नवरात्र भी चालू है। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास कोई ऐसा फोन है जिसके अंदर स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती और मैं इससे वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो अब मैं वीडियो को हार्डवेयर से तो स्टेबल नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम यूज लेंगे मस्त सॉफ्टवेयर का। अभी आपने देखा कितनी ज्यादा अनस्टेबल वीडियो थी, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि सॉफ्टवेयर का यूज लेके इसे स्टेबल कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इसने कितना एरिया क्रॉप कर दिया, बट यहाँ पर स्टेबलाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब इसी तरीके से क्या होता है ना, EIS जो भी फ़ोन यूज़ करता है उसके अंदर साइड साइड का एरिया कम देखने के लिए मिलता है, मतलब फील्ड ऑफ व्यू कम देखने के लिए मिलता है OIS के कंपैरिजन में, बिकॉज ये मेन ऑब्जेक्ट को मिड में रख के साइड्स को कट कर देता है ताकि आपको स्टेबल वीडियो देखने के लिए मिले। तो ये तो हमने यहाँ पर एक अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करा। स्मार्टफोन कंपनियाँ क्या यूज़ करती हैं, AI मशीन लर्निंग एंड ISP, जो कि आपने प्रोसेसर में सुना होगा, उसकी मदद से आपको ज़्यादा स्टेबल वीडियो देखने के लिए मिलती है इस सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में। लेकिन EIS फोटोग्राफी में बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, ये सिर्फ वीडियोग्राफी के अंदर यूजफुल है। और मैंने एक चीज़ देखी, अगर आप भागते दौड़ते वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आपका हाथ शेक कर रहा है, जो कि भागते होता भी है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि वीडियो के साइड साइड में ना आपको जिटरिंग देखने के लिए मिलती है, और सॉफ्टवेयर अगर उसे अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो साइड साइड में वेव्स देखने के लिए मिलती है। तो EIS अच्छा है स्टेबलाइजेशन के लिए, लेकिन बेस्ट नहीं है। तो कंपनियों ने सॉफ्टवेयर को तो अच्छे से निचोड़ लिया वीडियो के लिए, लेकिन अभी भी कमी आ रही थी फोटो के अंदर। तो यहाँ पर कंपनियों ने यूज करने स्टार्ट करा OIS, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और ये बेसिकली एक हार्डवेयर है जिसके अंदर लेंस फ्री होता है और ये दो एक्सिस पर वर्क करता है, तो वन एक्सिस पर या टू एक्सिस पर। और अगर आपके फोन के अंदर OIS है ना, तो आप इसे ईजिली चेक कर सकते हो। आपको कैमरा ऑन करना है और बैक जो पैनल है इसको हल्का सा टिल्ट करके देखना है। अगर आप राइट की तरफ टिल्ट करोगे तो लेफ्ट की तरफ ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा, और लेफ्ट में टिल्ट करोगे तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसमें बेसिकली क्या है, लेंस को मिड में रखा जा रहा है ताकि वीडियो आपको ज्यादा स्टेबल देखने के लिए मिले, और ये सारी चीज पॉसिबल हो पा रही है जायरो की वजह से। एंड इसी की मदद से जब आप भागते दौड़ते वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना, तो EIS के कंपैरिजन में OIS ज्यादा अच्छे से वीडियो स्टेबल कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर हार्डवेयर दिया हुआ है इस चीज के लिए। और अभी के जो फोन आ रहे हैं ना, उनके अंदर OIS के साथ साथ EIS को भी यूज करा जाता है, जिसकी वजह से जो वीडियो स्टेबलाइजेशन वो और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो गई है। और OIS का जो सबसे मेन यूज मुझे लगता है इसके साथ साथ, वो है फोटो के लिए। लो लाइटिंग फोटोज में काफी यूजफुल है। आपको पता होगा जब भी हम नाइट मोड में फोटो कैप्चर करते हैं तो एक टाइमर आ जाता है, बेसिकली शटर स्पीड कम हो जाती है ताकि आसपास की लाइट को ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाए। तो उस टाइम पर क्या होता है ना, अगर हम हैंड हेल्ड फोटो कैप्चर करते हैं तो हमारा हाथ शेक हो जाता है। तो OIS के अंदर अगर हल्का फुल्का हाथ शेक भी होता है ना, तो ये डिटेल्स को खत्म नहीं करता और आपको बिल्कुल भी ब्लरी फोटो देखने के लिए नहीं मिलती। तो इस मामले में मेरे को OIS काफी ज्यादा यूजफुल लगता है, साथ ही HDR फोटो के अंदर भी यूजफुल है। तो EIS के कंपैरिजन में OIS मेरे को काफी तगड़ी इंप्रूवमेंट लगती है, एंड इसको आप ना बैक से देख सकते हो, ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। और काफी कंपनियां OIS को सिर्फ फोटो के लिए भी यूज करती हैं, जैसे कि अभी Realme ने करा। गजब बेइज्जती है। अब बात करेंगे उसकी, जिसने काफी ज्यादा हाइप बनाई थी जब ये टेक्नोलॉजी आई थी, मतलब ऐसा हो गया था कि भाई अब यही देगा सबसे ज्यादा स्टेबल वीडियो। और ये टेक्नोलॉजी सोनी के कैमरास के अंदर भी यूज होती है, ये है सेंसर शिफ्ट, और एप्पल ने इसे इंट्रोड्यूस करा था iPhone 12 के अंदर। ये बेसिकली हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है OIS की तरह, लेकिन OIS के अंदर लेंस मूव करता है और इसके अंदर सेंसर मूव करता है। बट जितनी इसकी हाइप बनी थी उतना मुझे कुछ देखने के लिए नहीं मिला। मैंने इसे OIS से कंपेयर करा साइड बाय साइड काफी वीडियो के अंदर, एंड स्टेबलाइजेशन मेरे को ऑलमोस्ट सेम देखने के लिए मिली, मतलब दोनों ही काफी स्टेबल है, कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला। इवन लो लाइटिंग परफॉर्मेंस भी मेरे को ऑलमोस्ट सेम देखने के लिए मिली। काफी लोग बता रहे थे अगर आपका ज्यादा हाथ शेक हो जाता है तो भी ये आपको ब्लर इफेक्ट नहीं देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसे जितना भी टेस्ट किया ना, OIS की तरह ही वर्क करता है नाइट मोड के अंदर भी। बट यहां पर जो सबसे बड़ी एडवांटेज आती है वो उन लोगों के लिए जो कि एक्सटर्नल लेंस यूज करते हैं। एक्सटर्नल लेंस के अंदर बेसिकली क्या होता है ना, जब आप OIS वाले फोन के साथ एक्सटर्नल लेंस यूज करोगे और भागते दौड़ते वीडियो बनाओगे तो लेंस की एजेस आ जाती है वीडियो के अंदर, जो कि अच्छी नहीं लगती। तो सेंसर शिफ्ट के अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर सेंसर मूव करता है, लेंस मूव नहीं करता, जिसकी वजह से जब आप एक्सटर्नल लेंस यूज करोगे इसके साथ और भागते दौड़ते वीडियो बनाओगे तो लेंस की एजेस नहीं आती। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी एडवांटेज है, और मेरे हिसाब से कौन ही एक्सटर्नल लेंस यूज करता होगा आईफोन के साथ, काफी प्रो लेवल के फोटोग्राफर यूज करते होंगे, बट कोई नॉर्मल यूजर नहीं करता। तो यहां पर मैं कहूंगा कि OIS और सेंसर शिफ्ट किसी नॉर्मल पर्सन के लिए ऑलमोस्ट इक्वली है। अब आती है वो टेक जो कि वीवो ने अपने X50 Pro के अंदर इंट्रोड्यूस करी थी, गिम्बल स्टेबलाइजेशन। और गिम्बल स्टेबलाइजेशन आपकी जिंदगी आसान कर देता है। अब आपको बड़े बड़े गिम्बल ऐसे तरीके के
लेकर घूमने की जरूरत नहीं है स्टेबल वीडियो के लिए। एक्चुअली वीवो ने गिम्बल स्टेबलाइजेशन अपने फोनों के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया और ये OIS की तरह एक हार्डवेयर है, लेकिन ये ज्यादा एक्सिस पर वर्क करता है। ये 4 एक्सिस पर वर्क करता है, OIS वहीं पर 2 एक्सिस पर वर्क करता है। तो ये ज्यादा फ्री है हर एक डायरेक्शन के अंदर। अगर आप भागते दौड़ते वीडियो बनाते हो तो ये उसके कंपेरिजन में ज्यादा तगड़ी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करता है। मैंने जितना भी इसे टेस्ट कराया ना आज तक, गिम्बल स्टेबलाइजेशन के अंदर अगर आप थोड़ा भी मूव कर रहे हो अपने हाथ को तो ये काफी स्मूथली शिफ्ट करता है, और स्टेबलाइजेशन तो है इसकी OIS से भी तकड़ी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो नाइट मोड फोटोग्राफी के अंदर ही आपको OIS के कंपैरिजन में ज्यादा तगड़े रिजल्ट देगा, तो नहीं, मेरे को ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट्स देखने के लिए मिले OIS जैसे। लेकिन हाँ, वीडियो के अंदर बहुत तगड़ी चीज डाल दी है भाई वीवो ने, एंड अब आपको ऐसे बड़े बड़े गिम्बल लेकर घूमने की जरूरत नहीं है स्टेबल वीडियो के लिए। तो यहाँ पर गिम्बल स्टेबलाइजेशन OIS के कंपैरिजन में ज्यादा तगड़ी है। तो यहाँ पर मैंने जितना भी टेस्ट करा भाई, गिम्बल है, गिम्बल स्टेबलाइजेशन OIS के कंपैरिजन में ज्यादा तगड़ी है। बाकी मैंने जितना भी सबको यूज करा ना नाइट मोड के अंदर, तो EIS को छोड़कर बाकी के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही देखने के लिए मिले। और यहाँ पर मैं वीडियो क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज है, यहाँ पर सिर्फ हमने बात करी है स्टेबलाइजेशन की। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की और वीडियो देखना और आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप भर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर कोशिश करेंगे उस पर वीडियो लाने की। तो यहाँ पर सारे स्टेबलाइजेशन अपने हिसाब से बेस्ट है, बट ये डिपेंड करेगा कि वो किस प्राइस पॉइंट पर मिल रहा है। अगर मेरे को 50,000 रुपये में कोई EIS दे रहा है तो वो तो मैं नहीं लूंगा, मेरे को चाहिए भाई OIS कम से कम। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और आप मुझे जरूर बता रहे हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जोन में आएगा इसको करें टू वॉच योर हार्ट फुल स्टेडियम विद एच एफ बी एंड बॉक्स गाइस।